अगली खबर है रीवा जिले के जवा जनपद से, जहां ग्राम पंचायत लोहगढ़ में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक एक विशेष पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे हर गरीब को इसका लाभ मिल सके। यह सरकार की पूर्ण मंशा है। इसी कड़ी में जवा जनपद के ग्राम पंचायत लोहगढ़ में जन सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी बीडी पांडे रहे। कार्यक्रम के प्रभारी और संचालक सरपंच प्रतिनिधि राजेश अग्निहोत्री रहे। सबसे पहले महापुरुषों की तस्वीरों में माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। उसके बाद अतिथियों का माल्यार्पण से स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में लोगों को सभी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई और वंचित लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। समाज सेवी वीडी पांडे ने लोहगढ़ पंचायत में विभिन्न योजनाओं के लिए ग्रामीणों के आवेदनों का मुआयना किया एवं ग्रामवासियों से योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया गया। शासन की 33% प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही है। उसका एक फॉर्मेट आया हुआ है। यस सर, सब दिखाया हुआ है, सबको दिया भी जा रहा है, इनको बांटा जा रहा है। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो स्वयं पढ़े, उसको जो हमारे भाई कम पढ़े लिखे हैं उनमें भी वो जनजागरण चलाई जाए। हमारे कृषि बहुत से कम हितग्राही भाइयों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। यहाँ हर बीपीएल कार्डधारी का, हर पात्रता वाले व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। वहां सिर्फ 39% लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हमारे 61% लोग उस लाभ से वंचित हैं। 100% लोगों का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। ईश्वर करे किसी को बीमारी ना आए, लेकिन ये मानव शरीर है, इसमें संभव भी नहीं कि बीमारी ना आए। वो तो आती ही है, कोई भी बीमार हो सकता है।